मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम चॉइस में आपका स्वागत है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं आगे हम क्वेश्चन देखें। उससे पहले मैं एक सूचना बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट मैं मंडे से कराने वाला हूं। ठीक है भाई, मंडे से सिंपल इंटरेस्ट कराऊंगा बिल्कुल शुरू से। ठीक है, जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है मेरे चैनल को जल्दी से ही ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो भाई देखते हैं, मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। देखो, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि निंदा करते हैं कुछ लोग, कैसे कि किसी एग्ज़ाम को देने जाता है कोई, तो उससे बोलते हैं कि तुझसे ये एग्ज़ाम ना निकलेगा। ठीक है भाई, लेकिन उसकी बातों पे ध्यान ना दें और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब मैं अपने आप को गायब कर देता हूँ। ठीक है, लो भाई मैंने कर दिया अपने आप को गायब। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है किंतु 900 ग्राम का बांट प्रयोग करता है। मतलब क्या हुआ कि बेईमान दुकानदार वाले हैं। ठीक है, इसमें एक बात याद रखना। वो कौन सी बात? वो बात ये है कि इसमें प्राइस अपोजिट होती है वेट के, मतलब वजन के अपोजिट। ठीक है भाई, ये वाली बात याद रखनी है, बकाया सब हो जाएगा अपने आप। ठीक है भाई, अब बताऊं कैसे होगा। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, ठीक, किंतु 900 ग्राम बांट का प्रयोग करता है, तो क्या होगा? मतलब 1000 कोई वजन था, 1000 किलो था, उसकी जगह कितना तोलता है? 900 ग्राम तोलता है। ये वजन का है तो प्राइस इसका उल्टा होगा, तो प्राइस में क्या आएगा? क्योंकि इसका तो रेशियो 2:0 से 2:0 काट दिया, तो 9 से 10, 9 की चीज़ 10 में बेच दी। लाभ कितने का हुआ उसे? 1 का। कितने पे? 9 पे इंटू 100, कितना आ गया? 11.11% लाभ हो गया भाई। देखो कितना आसान हो गया। ठीक है भाई, आ गया समझ में अच्छे से? अगर अच्छा से समझ में आया तो शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई, चलो आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, खरीदते और बेचते समय 10% वजन का घपला करता है। ठीक है भाई, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखो, पहले वो दुकानदार के पास गया, मतलब तुम जाओ किसी दुकानदार के पास और 10% का उससे लाभ कैसे लोगे? 10% का लाभ आपको होगा, 10% लाभ कब होगा? 10 से 11, 1/10 होता है, लाभ में जोड़ देते हैं तो 10 से 11 हो गया लाभ खरीदते समय, और बेचते समय 20%, बेचते समय 10% का घपला करता है। 10% का घपला कैसे करेगा? मैं साइड से बताता हूँ 10% का घपला कैसे करता है। मतलब 1000 ग्राम की जगह वो कितना तोलता है? 900 ग्राम तोलेगा, तभी तो 10% का उसे लाभ होगा। लेकिन प्राइस में क्या होता है? ये उल्टा होता है, 9 से 10। अब देखो, 10 से ये 10 कट गया, तो 9 से 11 लाभ कितने का? 2 का। कितने पे? 9 पे। ये कितना होता है? 22.22%। आ गया भाई समझ में अच्छे से? कोई दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत हुआ करे ना, कमेंट में मुझे बता दिया करो। ठीक है भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है कि कमेंट में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट में बताएं। मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल बता दूंगा जिससे आप मुझे से जुड़ सकते हैं, डाउट जो भी हो वो उस पर डाल दिया करो, जिससे कि जो डाउट होगा मैं अगली क्लास में आपको बता दिया करूँगा। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखो।
अगला क्या है, एक दुकानदार 10% लाभ पर तरबूज बेचता है किंतु वजन में 10% का घपला करता है। अभी सवाल बताया वैसे ही करना है, ठीक। चलो दोबारा बताता हूँ मैं, देखो 10% लाभ पे तरबूज बेचता है तो 10 की वस्तु कितने में बेची होगी उसने, 11 में, तभी 10% का लाभ होगा। किंतु वजन में 10% का घपला करता है, तो देखो साइड से ले लेता हूँ मैं, 1000 ग्राम था कोई वजन, जब 10% कम तोलेगा तो कितने ग्राम जाएगा उसके पास से, 900 ग्राम जाएगा। तो अनुपात क्या आ गया उसके पास, 10:9। तो प्राइस ये तो किसका है, वजन का, लेकिन हमें प्राइस में बताना है क्योंकि इस जगह प्राइस लिया है, तो प्राइस में क्या हो जाएगा, ये उल्टा 9 से कितना हो जाएगा 10, 10 से ये वाला 10 कट गया, वही वाली बात आ गई कि 9 की वस्तु 11 में बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ, 2 का, कितने से 9 से इंटू 100 कितना आ जाएगा, 22.22%। ठीक है भाई, आ गया समझ में। चलो अब आगे देखो, आगे सवाल देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% ज़्यादा अंकित करता है, 10% की छूट देता है, ठीक है, किंतु 100 ग्राम कम तोलता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये देखो पहली लाइन से देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% अधिक अंकित करता है, तो 5 से 6, 20% कितना होता है 1/5, 1 का लाभ, तो 5 से 6, ठीक है भाई, 10% की छूट देता है, 10% कितना होता है 1/10, 10 में से 1 की छूट दी कितने में 9, तो 10 से छूट दे दी कितने में 9, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। किंतु 100 ग्राम कम तोलता है, तो मतलब ये रुपये में बात चल रही है, तो ये वजन में कहाँ से आया, वजन आया यहाँ से, 1000 ग्राम तोलना था लेकिन वो तोलता कितना है 900 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम कम तोलता है, तो किसका है ये, वजन का ही तो है, तो लेकिन प्राइस का लेना है हमें, तो प्राइस का क्या हो जाता है उल्टा 9 से 10, देखो 10 से 10 कट गया, 9 से 9 कट गया, कितना आ गया 5 से 6, लाभ कितना हुआ 1 का, किस पे 5 पे, इंटू 100 कितना आ गया आंसर 20%, 20% आंसर आ गया। देखो कितने सरल तरीके से आ गया, ठीक है भाई, कुछ नहीं करना है, एक बात याद रखनी है कि प्राइस वजन का उल्टा होता है और वजन प्राइस का उल्टा होता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है, बकाया इसमें कुछ नहीं है, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, देखो एक आदमी 10% लाभ पर चाय बेचता है, 20% कम चाय देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो लाभ पर चाय बेचता है तो पहले तो रुपए की बात चल रही है ना, 10% लाभ पर चाय बेचता है तो 10% लाभ कब होगा, 10 से बेचती उसने 11 में, ठीक है भाई, लेकिन जो चाय की मात्रा की बात चल रही 20% कम का मतलब कितना हुआ, 1000 ग्राम की जगह उसने कितनी तौली, 800 ग्राम, 20 से 20, 2 से 5 बार, 5 से 4 आ गया, ये किस क्या आया है, वजन आया है, लेकिन हमें चाहिए रुपए में, तो वजन का प्राइस में क्या होता है उल्टा 4 से 5। अब देखो 5 से ये कितना कट गया 2 बार, ये कितना आ गया 8, इधर कितना आ गया 11, ठीक है भाई, इतना आ गया, कितने का लाभ हुआ उसे 3 का, कितने पे 8 पे, इंटू 100, ये किसके बराबर होता है 37.5%। मैंने पहली क्लास में बताया है, ये अपनी पहली क्लास में बताया था कि परसेंटेज 1/8 कितना होता है, 2/8 कैसे निकालते हैं, 3/8 कैसे निकालते हैं, ये सभी बताया हुआ है मेरा, ठीक है भाई। चलो आ गया समझ में, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो भाई अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है भाई,
एक एक लाइन पढ़ते चलना। लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कुछ कम वजन का प्रयोग करता है तो उसे पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। 25% का लाभ प्राप्त होता है, इसी जगह से पकड़ लो, प्रॉफिट की बात कर रहा है। प्रॉफिट उसे कितना होता है? 25% लाभ, 4 से 5 हो गया भाई, 4 से 5 इतना आ गया। अब आगे क्या कहा है, आगे की लाइन पढ़ो। तो बताओ 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन का प्रयोग करता है, ठीक है भाई, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन प्रयोग करता है। तो वजन का, ये तो प्राइस का है, तो वेट का कितना हो जाएगा? वेट का हो जाएगा 5 से 4। यहाँ पे 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन करता है, यहाँ पे कितना वजन कम कर रहा है, देखो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, ठीक है भाई। तो 5 बराबर 1000, तो 1 बराबर कितना होगा, 200 होगा, तो 200 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो बस, कितना आ जाएगा, 800। यही हमारा आंसर होगा कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन प्रयोग करेगा, 800 ग्राम का, ठीक है भाई। आ गया समझ में अच्छे से? लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो भाई देखते हैं आगे। एक व्यक्ति 15% अधिक अंकित मूल करता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम ही तोलता है, ठीक है भाई। ये बताओ कि उसे कितना हो रहा है, पहले वाला देखो, 15% अधिक अंकित करता है, तो 15% में बताऊं कैसे होता है, 100, 15% 115, रेशियो क्या आएगा, 5 से काट रहे हैं वे 20 और 23, 5 से ये कट जाएगा, ठीक है भाई। ये बता दिया, मैं इसे रफ कर देता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक। चलो डायरेक्ट में लिखता हूँ तो इसे हटा देता हूँ, और डायरेक्ट कितना आ जाएगा, अंकित करेगा तो 20 से 23, ठीक है भाई। अब देखो, अब उसने क्या कहा है कि 920 ग्राम ही तोलता है, कितने में से, 1000 में से उसने 920 ग्राम वजन तोला, कितने में से, 1000 में से। तो इसे काट के देखो, 10 से 10, 23 चक 92, और ये कट गया 25, ठीक है भाई, इतना आ गया। तो ये किसका है, वजन का है, लेकिन यहाँ पे कितना है, इस जगह रुपये, इस जगह वजन है, तो ये हो जाएगा प्राइस उल्टी हो जाएगी, 25 से कितनी हो जाएगी, 23, ठीक है भाई। आ गया यहाँ तक समझ में? चलो इससे आगे देखो, 25 से 23 हो जाएगी, सॉरी गलत हो गया थोड़ा मैं, क्योंकि 1000 से लेना है, 1000 की जगह उस वो कितना तोलता है, 920, यही करते आए हम, ठीक है भाई, उल्टा कर दिया था हमने, तो इसे काटो, कितना आ जाएगा, 25 से 23, ठीक। तो अब ये कितना होगा, इसका उल्टा हो जाएगा प्राइस, 23 से 25, 23 से 23 कट गया, 5 से 4 बार, 5 से 5 बार कितना आ गया, 4 से 5, लाभ कितने का, 1 का, कितने पे, 4 पे, इंटू 100, कितना हो गया, 25% लाभ हो गया उसे, ठीक है भाई। आ गया समझ में अच्छे से, ठीक है। चलो देखते हैं अब, थैंक यू, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और लेटेस्ट वीडियोज देखो, ठीक है भाई। ठोको लाइक यार, कंजूसी मत किया करो, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर किया करो, ठीक है, थैंक यू।